मॉस्को आतंकी हमले के चारों हमलावरों को मॉस्को की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया। आतंक सभी पर आतंकवाद के आरोप के तहत कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि इस आरोप में उम्र कैद की सजा भी इन सभी को हो सकती है और कहा जा रहा है कि और इसमें से तीन आरोपियों ने अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। सभी की उम्र 19 से 32 साल के बीच है। जब चारों आरोपियों को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया गया तो इनके चेहरे सूजे हुए थे। एक आरोपी तो व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचा। रूसी मीडिया के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन्हें टॉर्चर किया गया है। दूसरी तरफ हमले में अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, 182 लोग घायल बताए गए हैं और इनमें से 40 की हालत गंभीर है। सुनवाई के दौरान 19 साल का आरोपी फैजोव चुपचाप बैठा रहा। उसे व्हीलचेयर के सहारे कोर्ट लाया गया था, जबकि तीन आरोपी दलेर दजोन, सईदा करामी और शमसुद्दीन जख्मी हालत में वहां पर कोर्ट पहुंचे थे। उनके चेहरों पर सूजन दिखाई दे रही थी, जबकि सईदा करामी नाम के आरोपी का कान बैंडेज से चिपकाया हुआ था। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान फैजोव को सीधे अस्पताल से कोर्ट लाया गया था और वो सुनवाई के दौरान आंखें बंद करके बैठा रहा है। रूस के मीडिया और क्रेमलिन के करीबी टेलीग्राम चैनलों पर चलाए गए फुटेज में आरोपी अपना गुनाह कबूलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक आरोपी शख्स के हाथ पीछे बंधे और पूछताछ के दौरान सिक्योरिटी एजेंट्स को बताता है कि उसने पैसों के लिए लोगों को मारा है। आरोपी खराब रूसी भाषा में बोल रहा है और उसने पैसे के लिए लोगों को मारा है। आरोपियों के मुताबिक उन्हें क्रॉकस सिटी हॉल पर हमले के लिए $5,000 या तकरीबन 4 लाख रुपए दिए गए थे। हमलावर अपने साथ मशीन गन, पिस्टल, चाकू और फायर बम फेंक कर भाग गए थे। मॉस्को में कंसर्ट हॉल में हमले के बाद अब रूस ने आतंकियों पर अपना शिकंजा कस दिया है और अब उन तमाम 11 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया जो इस पूरे मामले से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इनमें से 4 लोग वो भी हैं जिन्होंने इस कंसर्ट हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल रूस ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले से जुड़े हर तार की तहकीकात करेगा और जो भी लोग इस हमले में शामिल हैं उन्हें सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।